एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 6 का लाइव प्रोसेस जे प्रकरण के बारे में पार्ट 3 बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र दो भागों में डिवाइड है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। किसमें डिवाइड है? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल से कैसे आएगा? आहार नाल में क्या क्या होता है? आहार नाल में पहले क्या आता है? मुख में, मुंह में आता है, उसके बाद ग्रसनी में भोजन जाता है, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद आमाशय में, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? इनमें जो काम करती हैं लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अंगनाशय ग्रंथि, इनमें तीन ग्रंथियाँ जो होती हैं पाचन ग्रंथियाँ, वो इसमें काम करती हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य पाचन क्रिया का चित्र बनाई। ये मैं आपको अलग से समझाऊंगी पूरा पाचन क्रिया का नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखिए मुख हुआ, ये तीन भागों में डिवाइड है, ये भी जीभ में, दांत में और जबड़े में। अब जीभ का देखिए, जीभ स्वाद अनुभव का कार्य करती है, स्वाद अनुभव एनालिसिस का काम करती है। जो आप कुछ खाते हो तो उसको खा के आपको टेस्ट आता है, उसका काम करती है कि वो टेस्ट कैसा है। आप जब कुछ खाना खाते हो, खट्टा या मीठा कुछ भी खाते हो, तो आपको उसमें महसूस होता है कि हमने कौन सा फ्लेवर खाया, एनालाइज करती है। दांत है, भोजन को चबाने का काम करता है। दांत क्या करते हैं? जो आप खाना खाते हो उसको चबा के छोटे टुकड़ों में बना देता है। जबड़े, ये कठोर मांसपेशियाँ होती हैं। जबड़े कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, दांतों में जबड़े, दांतों में लगे हुए जबड़े होते हैं, वो कठोर मांसपेशियाँ होते हैं, तभी तो दांत उसमें जुड़े हुए होते हैं। आगे देखिए अब देखिए दांत। दांत होते हैं अस्थाई दांत, दूध के दांत होते हैं, संख्या होती 20। मतलब जब आपके दांत निकलते हैं छोटे पर और वो उसके बाद टूट जाते हैं, मतलब अस्थाई, वो रुकते ही नहीं है, वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। स्थायी दांत संख्या कितनी होती है? 32 होती है और ये आपके हमेशा रहते हैं। अब देखिए कृतंक क्या होते हैं? इसमें चार जो होते हैं मेन दांत होते हैं। पहला क्या है? कृतंक, मृदंक, अग्रमृदंक, चवड़क। अब इसका मतलब क्या होता है? कृतंक का मतलब होता है कुतरने का काम करता है। जो आप खाना खाते हो, जैसे चूहे होते हैं कुतरते हैं, और आप जो खाना खाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, बहुत महीन महीन टुकड़ों में उसे बना देता है। रदनक होता है चीरने फाड़ने का काम करता है। जो ये मांसाहारी जो जानवर होते हैं, जैसे आपके शेर है, चीता है, और ये क्या नाम है, मगरमच्छ है, ये सब क्या है? रदनक में आते हैं। ये चीरने फाड़ने का, क्योंकि जो इनके दांत होते हैं ये सीधे चीर देते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। अंगवर्णक होते हैं, ये भी चबाने का काम करता है, और चवड़क भी क्या करते हैं? चबाने का काम। तो आपको याद कर लेना कृतक, रदनक, अग्रवक, चवड़क, ये आपको चार बिल्कुल याद कर लेना। ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी में कोई भी पाचन नहीं होता है, ये भोजन और वायु को अलग करती है एपिग्लॉटिस की मदद से। मतलब ग्रसनी में क्या होता है? कोई भी पाचन नहीं होता है, लेकिन और ये भोजन को क्या करती है? वायु से अलग करती है एपिग्लॉटिस की मदद से, करती है एपिग्लॉटिस की मदद से। अब देखिए मुखग्रसनी। मुखग्रसनी में क्या होता है? भोजन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भोजन? जाता है मुखग्रसनी में। नासाग्रसनी में क्या होती है? सांस आती है। इसमें क्या है? भोजन जाएगा, इसमें क्या है? सांस अंदर लेंगे। अधोग्रसनी है, इसके पास कंठग्रसनी होती है, एपिग्लॉटिक सा कहते हैं। इसकी मदद से ये जो मुखग्रसनी और नासाग्रसनी दोनों को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। अब आगे देखिए ग्रासिका नली, इसको हम ग्रास नाल भी कहते हैं। इसके दो नाम है, ग्रासिका नली कह दो या ग्रास नाल भी कह दो। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है पेशीय नली होती है। ये जो देख रही है आपको, ये 25 सेंटीमीटर होती है पेशीय नली होती है। इसकी दीवार क्रामक होती है, भोजन ग्रास नली से आमाशय में आसानी से पहुंच जाता है। जो आप मुंह से भोजन ले रहे हो वो यहाँ से आके सीधे कहाँ जाएगा? यहाँ पे आमाशय में आएगा। कहाँ आएगा? आमाशय में आता है सीधे, मुंह से सीधे भोजन कहाँ आएगा? आमाशय में रुकता है आके।
यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, एंजाइम। इसमें एंजाइम्स होते हैं। अब आपको एंजाइम किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, एंजाइम किसे कहते हैं, जो पाचक रस होते हैं उनको क्या करते हैं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने का कार्य करते हैं। जो कोई भी भोजन होता है उसके जटिल जो अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में बदलने का काम कौन करता है, एंजाइम करते हैं। कोई पूछे एंजाइम किसे कहते हैं, तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने का काम एंजाइम्स करते हैं। अब देखिए आमाशय। अब आमाशय में क्या है, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या ईसोफेगस द्वारा क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। अब देखिए यहाँ से भोजन जो आपका क्या गया, यहाँ पे क्या, ये बंद है, इतनी जो नली है ग्रासिका, जो नली है यहाँ पे क्या हो गई, बंद हो गई जो भोजन नली। अब यहाँ से क्या है, भोजन आ तो गया पर वापस नहीं जाया, भोजन यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे जब आता है उसके बाद क्या है, भोजन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आमाशय रस का मिलना होता है। आमाशय रस क्या होता है, एससीएल खाने में मिल तो जीवाणु को नष्ट कर देता है। क्या करता है, इसे जो एससीएल है वो एससीएल का काम होता है कि जो आपके जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं खाने में मौजूद होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उनको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है एससीएल। यहाँ पे आमाशय रस का मिलना हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सीधे सीधे भोजन आएगा छोटी आँत से भोजन यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाहर निकल जाएगा लेकिन उसके बाद भोजन क्या है, अंदर नहीं आएगा। अगर निकल गया है तो निकल गया है, दोबारा नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसके कार्य क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके कार्य होते हैं। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रुक सकता है। आमाशय में भोजन क्या है, 3 से 4 घंटे रुक सकता है। जो आपका आमाशय है, ये आमाशय जो है इसमें क्या है, भोजन 3 से 4 घंटे तक रुक सकता है। इसमें जठर रस में एससीएल पेप्सिन रेनाइन श्लेष्मा होती है। इसमें क्या क्या होता है, एससीएल होता है, पेप्सिन रेनाइन एससीएल होता है, जो आपके एंजाइम्स, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। जो खराब बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। पेप्साइन रेनाइन श्लेष्मा होती है। पेप्साइन क्या करता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जो आप प्रोटीन ले रहे हो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करेगा, उसको कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम पेप्सिन करता है। रेनाइन करता है, जो दूध का पाचन करता है, जो भी आप लिक्विड ले रहे हो, दूध ले रहे हो, उसको क्या करता है, उसको पाचन करता है। श्लेष्मा आमाशय की दीवार पर रखवाकर आवरण बनाती है। मतलब जो आमाशय के ऊपर एक दीवार, एक लेयर बनाती है, जो क्या करती है, उसको रक्षा करती है, उसका रक्षात्मक आवरण बनाती है, उसको उसकी रक्षा करती है। आमाशय में अम्ल का कार्य क्या है, क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। आमाशय में अम्ल का कार्य क्या है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एससीएल उपस्थित होता है। ये अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना काम करते हैं। एससीएल अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या करता है, जो आपके बॉडी के जो अंदर, भोजन के अंदर जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाते हैं आपको, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। एससीएल अम्ल आमाशय भोजन को पचाने में सहायता भी करता है। और क्या करता है, जो आपके आमाशय के अंदर जो भोजन होता है, जो 3 से 4 घंटे तक रुक सकता है, कंटिन्यू 3 से 4 घंटे तक वो वहाँ पे ठहर सकता है, रुक सकता है, उसको क्या करता है, पचाने का काम भी एससीएल ही करता है।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।